सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये भी एक सवाल आता है। इकोसिस्टम जैसा कि हमने मेंशन किया था कि हमारे आसपास जो पूरी की पूरी चीजें उसको हम क्लासिफाई करेंगे। जब भी हम इकोसिस्टम को क्लासिफाई करेंगे तो हम दो पार्ट में इकोसिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। व्हेन वी क्लासिफाई द इकोसिस्टम, इट कुड बी द नेचुरल इकोसिस्टम और इट कुड बी द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम है तो टेरिस्टिशियल इकोसिस्टम हो सकता है, और टेरिस्टिशियल इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है। टेरिस्टिशियल इकोसिस्टम्स जो है नेचुरल इकोसिस्टम के पार्ट है और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब वो लैंड पे है या पानी में है। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के तौर पे जैसे कल्टीवेटेड लैंड्स होते हैं या एक्वेरियम हो गए, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के पार्ट है। अब टेरिस्टिशियल इकोसिस्टम जो होता है, टेरिस्टिशियल इकोसिस्टम में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल जहां पे डोमिनेट करेंगे ट्रीज, और ग्रासलैंड जहां पे डोमिनेट करेंगे ग्रासेस। तो फॉरेस्ट में जो है वो ट्री डोमिनेट करेंगे और ग्रासलैंड में जो है वो ग्रासेस जो है वो डोमिनेट करेंगे। तो टेरिस्टिशियल इकोसिस्टम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट में और ग्रासेस में। अब फॉरेस्ट इसके साथ तीसरा जो है वो डिजर्ट, जहां पे कि ड्राई जो है कह सकते कंडीशंस पाए जाते हैं, और एक टुंड्रा जो है क्लासिफिकेशंस के तौर पे हम मेंशन कर सकते हैं। टुंड्रा जो कि कोल्ड टेम्परेचर के तौर पे मेंशन किया जाता है। इसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेश वाटर, दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज, एक हम हाइब्रिड भी रखेंगे यहाँ पे, फ्रेश वाटर, मरीन इकोसिस्टम एंड वन इज हाइब्रिड। फ्रेश वाटर और मरीन और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जो फ्रेश वाटर और मरीन के बीच का जो एक रीजन होता है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब फॉरेस्ट को मैं सबसे पहले क्लासिफाई करूंगा, तो फॉरेस्ट को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ ट्रॉपिकल में और टेम्परेट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकता है और टेम्परेट। ऐसे ग्रासलैंड जब भी क्लासिफाई होगा तो वो भी आपका ट्रॉपिकल या टेम्परेट हो सकता है। डिजर्ट जो होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, हॉट डिजर्ट है या कोल्ड डिजर्ट है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स है तो वो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज लोटिक एंड लेंटिक। लोटिक का मतलब जो रनिंग वाटर है, और लेंटिक का मतलब जो है स्टैगनेंट वाटर या स्टेबल वाटर के तौर पर मेंशन करते हैं। मरीन सिस्टम का इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है ओशियन। हाइब्रिड इकोसिस्टम, हाइब्रिड एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है एस्टुअरीज। एस्टुअरीज मतलब वो हिस्सा होता है जहां पे ओशियन और रिवर मिलते हैं, नदी जहां से समंदर में मिलती है, उस हाइब्रिड जोन को हम एस्टुअरीज के तौर पे मेंशन करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे है। अब फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कि वो रेन फॉरेस्ट है जैसे वेट फॉरेस्ट, या वो ड्राई फॉरेस्ट है जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट। वैसे ही टेम्परेट जो होंगे वो भी रेन फॉरेस्ट, वेट फॉरेस्ट के तौर पे हो सकते हैं या डेसिड्यूअस ड्राई फॉरेस्ट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। ग्रासलैंड जो होंगे आपके टेम्परेट में कॉनिफर्स फॉरेस्ट भी आते हैं, जिसमें टैगा या बोरियल फॉरेस्ट को भी हम क्लासिफाई करते हैं। और फिर बाकी के जो कुछ इस तरीके से हम इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे सो दीज आर द सम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम जो कि आपको समझ में आ, ठीक है। इन सभी क्लासिफिकेशंस को डेप्थ में जो है स्टडी करवाया जाएगा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे भी आ सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं। साथ में एक क्लासिफिकेशंस और भी मेंशन कर सकते हैं, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो एग्जांपल है वो सवाना बोलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल प्रेरी है, कैंपॉस, पैम्पॉस, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम में जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन का होता है। फ्रेश वाटर में 0.5 PPM के आसपास, या पार्ट्स पर ट्रिलियन PPT के जो है वो 0.5 PPT होता है, जबकि लगभग मरीन में 35 PPT से ज्यादा होता है। ये बेसिक तौर पे इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन।